सार्गेसम में कई लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें अलैंगिक बीजाणुओं का पूर्ण अभाव होता है। कायिक जनन खंडन या फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। थैलस के पुराने भागों के मृत या क्षतिग्रस्त होने पर इसके अगले भाग की युवा शाखाएं पृथक हो जाती है। प्रत्येक शाखा वृद्धि करके नए थैलस का निर्माण करती है। लैंगिक जनन सार्गेसम में लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का होता है। जननांगों का निर्माण फ्लास सदृश गुहिकाओं में होता है, जिन्हें धानिया या कॉन्सेप्टिकल्स कहते हैं। ये धानिया बीजाणु विधि थैलस की रिसेप्टिकुलर शाखाओं पर उत्पन्न होती है। नर जननांग या पुधानी एंथ्रीडिया तथा स्त्री जननांग अंडधानी या उगोनिया कहलाते हैं। इनका निर्माण पृथक धानियों में होता है। पुधानी धारण करने वाली धानियों को नर धानिया या मेल कॉन्सेप्टिकल्स तथा अंडधानी धारण करने वाली धानियों को स्त्री धानिया या फीमेल कॉन्सेप्टिकल्स कहते हैं। सार्गेसम की कुछ जातियाँ एक लिंगाश्री है, जबकि अधिकांश जातियाँ उभय लिंगाश्री होती है। एक लिंगाश्री का मतलब है कि एक ही पौधे पर अंडधानी और पुधानी उत्पन्न होती है, जबकि उभय लिंगाश्री में एक पादप पे एक ही पाया जाता है, या तो पुधानी पाई जाती है या स्त्रीधानी पाई जाती है। जननांग धारण करने वाली धानियाँ जिन्हें फलद धानियाँ या फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स भी कहते हैं, की संरचना का एवं बंद्य धानियों के समान होता है। दोनों में केवल इतना अंतर है कि बंद्य धानियों की आधारित कोशिकाओं से सहसूत्र उत्पन्न होते हैं, जबकि फलद धानियों में आधारीय कोशिकाएं पुधानी व अंडधानी बनाती है। अब धानी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्टिकल्स। धानी का विकास रिसेप्टिकल शाखा के शीर्षस्थ कोशिका के समीप स्थित एक बाह्य कोशिका से होता है। फ्लास सदृश धानी प्रारंभिक कोशिका का साइज अन्य समीपवर्ती कोशिकाओं की अपेक्षा बड़ा होता है। इसका केंद्रक अपेक्षाकृत बड़ा होता है तथा इसके विभाजन की दर मंद होती है। अतः विकास की प्रारंभिक अवस्था में यह कोशिका अन्य कोशिकाओं की सतह पर होती है, परंतु समीपवर्ती कोशिकाओं में पुनर्विभाजनों के फलस्वरूप धानी प्रारंभिक कोशिका थैलस की सतह के नीचे फ्लास सदृश गुहिका में स्थापित हो जाती है। ये चित्र बी में बताया है। इसको धानी प्रारंभिक कोशिका का प्रथम विभाजन एक वक्र अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है। इससे निर्मित बाह्य संतति कोशिका को जिव्या कोशिका या टंग सेल तथा भीतरी संतति कोशिका को आधारीय कोशिका या बेसल सेल कहते हैं। ये चित्र सी में दिखाया जा रहा है कि ऊपर वाली कोशिका टंग सेल है और नीचे वाली कोशिका बेसल सेल कहलाती है। टंग सेल या जिव्या कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा एक सूक्ष्म तंतु बनाती है जो जल्दी ही लुप्त हो जाता है, परंतु आधारीय कोशिका अनेक उद्रक विभाजनों द्वारा फ्लास सदृश गुहिका के आधार पर एक फर्टाइल लेयर का निर्माण करती है। ये 6D में है कि टंग सेल के बाहर की तरफ फर्टाइल लेयर बनी है। जननांगों का निर्माण
धानी की इन्हीं फलत कोशिकाओं से होता है। अभेपू धानी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रिडियम। पूधानी धानी की फलत परत की कोशिकाओं से विकसित होती है। पूधानी प्रारंभिक कोशिका का जीवद्रव्यक सघन होता है। ये इसके ए डायग्राम में है। सघन होता है इस कोशिका से एक पेपिलेट प्रक्षेप विकसित होता है। इसका प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है। इसके फलस्वरूप निर्मित दो कोशिकाओं में से निचली संतति कोशिका या व्रंथ कोशिका तथा ऊपरी संतति कोशिका या पूधानी कोशिका संतति कोशिका पूधानी कोशिका के रूप में कार्य करती है। ये चित्र बी में है। इसमें एक तो स्टॉक सेल और ऊपर है एंथ्रिडियल इनिशियल सेल, और एंथ्रिडियल इनिशियल सेल में न्यूक्लियस ऑफ एंथ्रिडियल सेल है 2N। इन दोनों कोशिकाओं के केंद्रक द्विगुणित होते हैं। पूधानी कोशिका विकसित होकर एक पूधानी बनाती है। पूधानी नीचे स्थित व्रंथ कोशिका की वृद्धि के कारण एक और को विस्थापित हो जाती है। व्रंथ कोशिका पुनः विभाजित होकर एक शीर्षस्थ पूधानी तथा आधारीय व्रंथ कोशिका बनाती है। इस प्रक्रिया की अनेक बार पुनरावृत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अनेक पूधानी युक्त शाखित सहसूत्र का निर्माण होता है। अब सी वाले में एंथ्रिडियल इनिशियल सेल है और लेफ्ट साइड में ये सहसूत्र या पैराफाइसिस बनते हैं। डी में भी एंथ्रिडियल सेल एक से दो हुई अनेक बार विभाजन होते हैं, और ये बीच में पैराफाइसिस है और नीचे स्टॉक सेल है। स्टॉक सेल में भी कई विभाजन होते हैं। अब ई में भी इसमें ये पैराफाइसिस है और ये नीचे स्टॉक सेल है। इस तरह से सहसूत्र की अंतस्थ कोशिका प्राय बंद होती है। इसका विकास पूधानी में नहीं होता है। जो पैराफाइसिस है वो स्टराइल सेल्स हैं और इसका विकास पूधानी में नहीं होता है। शिशु पूधानी में केवल एक द्विगुणित केंद्रक होता है। पूधानी के विकास के साथ साथ इसके केंद्रक में एक अर्धसूत्री तथा उसके पश्चात समसूत्री विभाजन होते हैं। इसके फलस्वरूप पूधानी में 32 से 64 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इन विभाजनों के तुरंत पश्चात पूधानी का जीव द्रव्यक अनेक केंद्रकों की संख्या के बराबर एक केंद्रक की खंडों में विभाजित हो जाता है, और प्रत्येक खंड कायंत्रित होकर द्विकशाबिक पूमणु बनाता है। यह चित्र एफ में दिखाया जा रहा है कि इसमें एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है मैच्योर एंथ्रिडियम कहलाता है। इसके अंदर की परत को एंडोकाइट और बाहर की परत को एक्सोकाइट कहते हैं, और ये फ्लैजिला, इसमें एक फ्लैजिला बड़ा और एक छोटा फ्लैजिला पाया जाता है। प्रत्येक खंड कायंत्रित होकर द्विकशाबिक पूमणु बनाता है। परिपक्व पूधानी एक अंडाकार संरचना होती है। ये सिंगल एंथ्रोजाइट है, इसमें फ्लैजिला असमान है। परिपक्व पूधानी एक अंडाकार संरचना है होती है। इसकी भित्ति बाह्य दृढ़ एक्सोकाइट तथा भीतरी जिलेटिनी एंडोकाइट में विभेदित होती है। पूधानिया व्रंथ कोशिका द्वारा धानी के आधार पर जुड़ी रहती है। परिपक्व पूधानी व्रंथ कोशिका से टूटकर ओस्टियोल द्वारा बाहर आ जाती है।
जल के संपर्क में आने पर इसकी भित्ति का जिलेटिनीकरण हो जाता है तथा पूमणु मुक्त हो जाते हैं। अब ये है इसमें नरधानी है ये, जिसके अंदर ये ऊपर की तरफ ओस्टियोल और ये मेल रिसेप्टिकल है। अब इसमें बीच बीच में पूधानी है गोल ओवल शेप की, और बीच में ये पैराफाइसिस हैं जो वो स्टराइल सेल्स हैं। तो ये मेन कॉन्सेप्टिकल का नरधानी के बारे में बताया है इसमें।